सो हे गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। सो मैं हूँ विजय, सब्सक्राइब कीजिए। कैसे है गाइस आप लोग? मैं तो बहुत ही बढ़िया, होपफुली आप सभी बंदे बढ़िया होंगे। सो गाइस, ये जो मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ, वैसे ये तो मैंने पहले शूट कर लिया था, बट तब मेरी वॉइस बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही थी, मुझे खुद को ही सुनने को वो पसंद नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो एक नया व्लॉग ही बना लेते। उसमें जो बोला था मैं इस व्लॉग में बोल दूंगा जो भी है वो। सो गाइस, उसमें क्या था कि मेरी 2 दिन पहले केमिस्ट्री की लैब थी, तब मैंने क्या किया था गलती से, हमें क्या है कि जो छोटा बीकर आता है उसमें से हमें पीपेट से कॉनिकल फ्लास्क में केमिकल को ऐड करना होता है, और हमें नाइट्रिक एसिड तब मिला था। सो गाइस, हम लोग जैसे स्ट्रो का यूज़ करते हैं वैसे उसका यूज़ करके हमें वो कॉनिकल फ्लास्क में ऐड करना था। बट मैंने क्या किया, गलती से नाइट्रिक एसिड 3 से 4 ml जितना मैं निगल गया भाई, मतलब गलती से हो गया। पता नहीं कब कैसे क्या हुआ, और ऐसे धीरे से ही सक कर रहा था, और जप करके 3 से 4 ml जितना नाइट्रिक एसिड में निगल गया। और ऐसा नहीं कि मेरे मुंह में भी रह गया हो कि थोड़ा हो या फिर कुछ, पूरा का पूरा निगल गया। रिसेस में मुझे तो बहुत ही भूख लगती है, क्योंकि भाई अपना बॉडी ही ऐसा है कि मुझे भूख ही ज़्यादा लगती है। तो जब मैंने रिसेस में जब खाया, तो लिटरली मैं गाइस मुझसे खाया नहीं जा रहा था, पता मुझे तो रीज़न ही नहीं पता था। फिर घर, फिर तब तो मैं रिसेस का मेरा पूरा फिर स्कूल का दिन खत्म हो गया, उसके बाद मैं घर आया। फिर घर पे आकर मुझे याद आया कि हाँ, केमिस्ट्री लैब में मैं वो एथेनोथी यानी कि नाइट्रिक एसिड मैंने थोड़ा पी लिया था, उसकी वजह से ये अभी प्रॉब्लम हुआ है। और मैं फिर ट्यूशन में गया, मैंने ट्यूशन के सर को बताया कि सर ऐसा हुआ है मेरे साथ, ऐसा गलती से हो गया। सर एकदम भड़क गए, कहते अगर मैं तेरा प्रैक्टिकल टीचर होता तो तुझे लाइफ टाइम केमिस्ट्री की लैब में तुझे बैन कर देता, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी गलती है। सो गाइस, मेरा जो पूरा गले का हिस्सा है, गले से हिस्से से लेकर पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम तक सब कुछ मेरा अंदर से जल गया था। मेरा पूरा गला जल गया था, फिर अंदर की सारी पाइप्स और सब जल गया था। फिर डॉक्टर ने बोला कि ऐसी गलतियाँ फिर से मत करना, उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, मेडिसिन लेकर भी मैं आ गया। फिर मुझसे कुछ भी नहीं, तब मैं खाना खा रहा था ना, नहीं गाइस, ना ही मुझसे कुछ खाया जा रहा था, ना ही कुछ पिया जा रहा था। जो हम बोलते हैं ना कि हम जब बोलते हैं हमारे मुंह में थूक जमा होती है, वैसे मेरी थूक भी जमा नहीं हो रही थी। वैसे नॉर्मल ही है, आपको थोड़ा लगेगा कि कैसा बोल रहा है, बट जो इंसान को जो है वो है भाई। और उसके बाद 2 दिन अभी हुए हैं, और अभी जाके मुझे अच्छा है, बट डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली कहा था कि तुझे कुछ भी खाना पीना नहीं है, बस मुझे दूध और आइसक्रीम इन दोनों को मिक्स करके मुझे खाना है, बस यही मुझे खाना है, दूसरा कुछ नहीं। गाइस अब सोचो, रात में तो मैं कुछ खाता नहीं था, मम्मी पैसे देती तो मैं बाहर आइसक्रीम खा के आ जाता था, 30-40 रुपये वाला आइसक्रीम मस्त खा के आता था, मज़ा आ जाता था। मेरे ऐसे 2 दिन आराम से बीते, और गाइस आज मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ, रिकवर सब कुछ हो चुका है, बट अभी भी थोड़ा दर्द हो रहा है। तो मैंने मम्मी को बोला, और आज वीडियो भी है बीजे फूड चैनल का, तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी एक काम कर, हम कुछ मस्त डिज़र्ट कुछ रखते हैं जिससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आइसक्रीम या फिर ऐसा कुछ भी। और मैं इसलिए आपको अभी चैलेंज का नाम नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये व्लॉग मैं जस्ट अभी अपलोड करने वाला हूँ, इसलिए। सो आप देख लेना, बीजे फूड चैनल पर वीडियो आ जाएगा कोल्ड कोको का। शिट बोल दिया, कोई नहीं गाइस, चलो आप। सो गाइस आप देख लेना, बीजे फूड चैनल पर कोल्ड कोको का वीडियो आने वाला है, सो आप देखना बिल्कुल भी मत भूलना। तो कल जाने वाले हैं अहमदाबाद, उसके बाद 2 दिन तक वहाँ रहेंगे और वापस आ जाएंगे, मतलब नेक्स्ट डे वापस हम लोग आ जाएंगे, पूरी 1 दिन की ट्रिप ऐसा समझ लो। और उसके बाद वापस वही स्कूल ट्यूशन चालू। सो गाइस अभी मैं और प्रियु रेडी हो चुके हैं बीजे फूड चैनल के वीडियो के लिए, और यार ये रील्स देख रही है, कॉपीराइट लगवाएगी मेरे वीडियो में प्रियु, अगर कॉपीराइट आया तो तू गई। सो आज मैं प्रियु को अपने व्लॉग में लेना चाहूंगा। सो ये रही मेरी बहन, रुको थोड़ी ब्राइटनेस मुझे कम करनी पड़ेगी, आइए इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। सो बेटा कैसी है तू? बहुत अच्छी। खाना खाना खाया? नहीं खाया, अभी खाऊंगी मैं। काहे को नहीं खाया? तोहरी अम्मा तो को खाना ना ही देवती है का? नहीं आता ये लैंग्वेज मुझे नहीं आती, ये इसको भोजपुरी कहवत है, मुझे तो हमको भी बराबर नहीं आता है, पर हम ऐसे ही बोल दे है, क्योंकि तेरे को बिल्कुल भी नहीं आता है, मेरे को थोड़ा आता है, तो तेरे हिसाब से मेरे को ज्यादा आता है। तो एग्जैक्टली हिंदी बोल रहा है कि भोजपुरी बोल रहा है? वो भोजपुरी कैसी होती है कि मेन उनकी लैंग्वेज तो हिंदी होती है, बट वो अपनी तरीके से बोलते हैं, अपने ही लहजे में बोलते हैं, उनका अलग टोन होता है बोलने। यस,
और अगर गुजराती में बोले तो क्या कहते हैं प्रियू? क्या क्या कहते हैं गुजराती में? क्या पर किसको क्या कहते हैं? सॉन्ग आया था ना अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, हाँ गुजराती में हूँ तने प्रेम कर, फिर बंगाली में अमी तुम्हारे हो तमारो तमारो अमी तुम्हारे भालो बाशी, और पंजाबी में कहते हैं तेरी तो कोको पियेंगे। सो गाइस ये आ चुका है हमारा बिग ग्लास ऑफ कोको, आप देख सकते हो पूरी फ्रेम में भी ये समा रहा है, मेरे फेस जितना इसका साइज है आप देख लो। और ये मुझे रिव्यू को कंप्लीट करना है, ये टोटल 1 लीटर है कोल्ड कोको और इसमें आइसक्रीम, यस उसके अंदर अभी तो आइसक्रीम हमने ऐड नहीं किया है, एक 500 ग्राम ना 500 ग्राम यस 500 ग्राम नहीं 500 ग्राम नहीं है, थोड़ा हमने कम किया है क्योंकि इसमें साइज नहीं होगा, हाँ 300 ग्राम आइसक्रीम ऐड होगा, ऐड होगा आइसक्रीम ऐड होगा एंड डार्क चॉकलेट भी हमने ऐड की है। हाँ मम्मा आया, मम्मी को बेला खावानु खाईसु पछी इंट्रो करीसु। इतना चिल्ला रहे हैं, हमारा घर पे ऐसा ही होता है लिटरली में, क्योंकि हमारा ये वाला मेन डोर बंद होता है हमेशा, तो कुछ भी नहीं सुना देता हम, मतलब नीचे कोई भी होगा तो वो बोलेगा तुम्हें एग्जैक्ट सुनाई देगा, पर नीचे पर हम वो बोलेंगे वो नीचे नहीं सुने देगा, आवाज बिल्कुल भी नहीं जाएगी नीचे, पता नहीं ऐसा क्यों कुछ ज्यादा है हमारे डोर में, देखना पड़ेगा। ये भूत की आवाज भी निकल रहा है, भूत तो कुछ होगा नहीं वैसे, फिजिक्स इज एवरीवेयर सो कुछ भी हो सकता है। चलो कोई नहीं, अभी हम जल्दी जल्दी करते हैं वीडियो, बाय 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 बाय।